गुरुग्राम में अहिरेजमेंट के नाम पर दबंगई का वीडियो वायरल, पुलिस गिरफ्त से प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार लोगों को छुड़ाया। रसीओर में पैसे नहीं देने पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक को चायवाले ने घेरा, बकाया 30,000 रुपए के लिए सुनाई खरी खरी। आगरा में महिला अधिकारी से मारपीट मामले में बीजेपी नेता का बेटा और भाई गिरफ्तार, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप। गोरखपुर में ईजीपी गेटवे कस्टमर के उड़ाए 1 करोड़ रुपए, छानबीन के बाद पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में किया गिरफ्तार। जबकि शिवपुर में क्वारंटीन में रह रहे तीसरे नर चीते को भी बाड़े में छोड़ा गया, 2 चीतों को 5 नवंबर को ही बाड़े में छोड़ा गया था। अलीगढ़ में सड़क पर बने गड्ढे से हादसा, बाइक सवार का गिरते हुए वीडियो वायरल। परिवार नियोजन के ऑपरेशन में लापरवाही, मामले में कार्रवाई, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ। शिमला में आईजीएमसी में सर्जरी पर राष्ट्रीय सम्मेलन, देश भर के 200 सर्जन इसमें भाग ले रहे हैं। भागलपुर में छात्रों के साथ दिखा शिक्षा विभाग का सौतेला व्यवहार, स्कूल के जर्जर भवन में बरामदे में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं छात्र। धनबाद में अचानक धसी 5 फीट जमीन, कोयला काटने वाले लोगों में मची अफरा तफरी, कई लोगों के दबने की आशंका है। मुजफ्फरनगर में एसपी कार्यकर्ताओं का डीएम को ज्ञापन, विक्रम सैनी का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग। उधर झालावाड़ा में पुलिस ने 28 लाख रुपए की लूट का किया पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की शिनाख्त हुई। उत्तराखंड में बर्फ की चादर में घिरा हेमकुंड साहिब, लुढ़कते पारे के चलते पवित्र सरोवर हुआ फ्रीज, कपाट बंद होने के बाद हेमकुंड की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। मध्यप्रदेश के मंदसौर में मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के के साथ लिए 7 फेरे, दीपक के प्यार में 19 साल की नानजीन बानो बनी नैन्सी। एमपी के बैतूल में एक स्कूल में डांस और मस्ती के साथ पढ़ रहे बच्चे, 10 तक के पहाड़े पर बनाया गाना, लोग पसंद कर रहे हैं नया तरीका। मुरादाबाद में बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से बनाया डेंगू मच्छर का चित्र, लोगों को साफ सफाई रखने की सलाह। उधम सिंह नगर में जारी किसान आंदोलन में पहुंचे राकेश टिकैत, 460 दिनों से जारी है प्रदर्शन। जबकि नोएडा में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, घायल अवस्था में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। जगबीर हत्याकांड में नरेश टिकैत की कोर्ट में पेशी, सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। दिल्ली में सरस आजीविका मेले की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया उद्घाटन। संबल में 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल, घर की छतों से हुए पथराव में कुछ लोग जख्मी, पुलिस ने 16 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार, 18 लोगों पर केस दर्ज। जबकि देवरिया में धान काटने की मशीन से कटकर 2 मासूमों की जान चली गई, हादसे के वक्त खेत में सो रही थी दोनों बच्चियां। अजमेर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास पर किया चाकू से हमला, घरेलू विवाद को बताया जा रहा है हादसे की वजह। इंदौर में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से मिली महिला की अजली लाश, शव के पास मिला जला हुआ नारियल, जादू टोने की जताई जा रही आशंका। संत कबीर नगर में फरियाद लेकर तहसील पहुंचे 80 साल के बुजुर्ग के इंतजार करते करते मौत हो गई, लोगों का हंगामा। उत्तराखंड के चमोली में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, 12 लोगों की मौत की खबर है, 3 लोग जख्मी। बिहार के सोनपुर मेले में बवाल मच गया, मुफ्त में डांस देखने पहुंचे लोगों के थिएटर मालिकों से भिड़ंत हो गई, वीडियो वायरल। जबकि मेरठ में एक युवक पर धर्म छुपाकर लड़की का 2 साल तक शोषण करने का आरोप है, पोल खोलने पर दी श्रद्धा हत्याकांड जैसी हालत करने की धमकी। और इस बीच हरियाणा के सोनीपत में संदिग्ध हालत में मिला है छात्र का शव, सिर में मिले गोली के निशान, तमंचा बरामद। बिहार के सीतामढ़ी में सगे भाई ने की भाई की हत्या, मामूली विवाद में वारदात को दिया अंजाम। कौशाम्बी में एक लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, प्रेमी के शादी से इनकार करने पर उठाया कदम। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जीजा ने साली के साथ रेप में नाकाम होने पर धारदार हथियार से काट दी गर्दन, ट्रेन से कटकर खुद भी जान ले। कानपुर में नाबालिग बेटी ने सौतेले पिता पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, मुख्यमंत्री ने लगाई सुरक्षा की गुहार। राजस्थान के बाड़मेर में बस और ट्रक में टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 12 जख्मी। दिल्ली के रानौला इलाके में बेकाबू ट्रक ने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे पिता और बच्चों को कुचल दिया, पिता की मौके पर मौत।